आपकी भी बैटरी चार्ज करने के लिए रोज़ रोज़ इसका कनेक्शन डिसकनेक्ट करना पड़ रहा है रोज़, तभी जाके चार्ज हो रही है। तो दोस्तों इसका हल ये है, ये सोलर चार्ज कंट्रोल क्या कर रहा है, एक बार चार्ज तो करता है मगर दूसरे दिन ये ऑटोमेटिक चार्ज नहीं करता, ये ऑफ रहता है। यानी कि ये सोलर पैनल से जो वोल्टेज आने वाली है ये इसके अंदर तो आती है मगर ये बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपने को सोलर पैनल का भी कनेक्शन हटाना पड़ रहा है और बैटरी का भी कनेक्शन 2-3 सेकंड के लिए हटाना पड़ता है और बाद में कनेक्शन जुड़ाने के बाद तभी बैटरी चार्ज करता है। तो दोस्तों ये समस्या ये आपके भी आ रही होंगी तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये मेरे को ये समस्या आ रही है। एक बार ये पूरी तरह चार्ज होने के बाद ये तो बैटरी ऑटो कट कर देता है मगर जब आप बैटरी यूज़ करते हैं पूरी डिस्चार्ज होने जाने के बाद में तो ये चार्ज करना ना, तो ये चार्ज नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए ये एक इम्पोर्टेड हीरो बनाया, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे को। दोस्तों ये एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये बैटरी इससे मैच हो रही है या नहीं, कुछ पता नहीं। बैटरी भी अच्छी कंडीशन की है, बैटरी भी बैकअप दे रही है अच्छी, ये चार्ज भी अच्छी तरह से कर रहा है, ये ऑटो कट भी कर रहा है। अभी तो इसका मैंने ये स्विच भी लगा इधर ये एलईडी ऑन ऑफ के लिए, लेकिन दोस्तों इसका वोल्टेज जो है तो बैटरी का जब फुल चार्ज होने के बाद जब ये ऑटो कट करता है लेकिन दूसरे दिन चार्ज नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया दोस्तों, ये सोलर पैनल से आने वाला जो वोल्टेज है तो इसके लिए मैंने ये दो रजिस्टर डाल दिया दोस्तों, ये सीरीज में दो रजिस्टर डाल दिया। तो ये क्या हो रहा है, रजिस्टर डालने के बाद में इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही है तो थोड़ा वोल्टेज कम करके ये बैटरी तो चार्ज कर रहा है मगर ये पूरी तरह ऑफ नहीं रहता, नहीं तो क्या होता था पूरा ऑफ हो जाने के बाद में ये दूसरे दिन ये चार्ज नहीं करता था। तो इसके लिए मेरे को ये बैटरी का एक प्लस हो या माइनस हो वो कनेक्शन हटाना पड़ता था। पहले सोलर का पैनल कनेक्शन कट करो, फिर बैटरी का कनेक्शन 2-4 सेकंड के लिए डिसकनेक्ट करो, फिर बाद में जुड़ाओ, तब पे जाके सोलर ये कंट्रोलर काम करता था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये सोलर चार्ज कंट्रोल की समस्या है क्या, ये बैटरी की तो समस्या नहीं है, बैटरी तो अच्छी कंडीशन में है। तो इसी तरह से ये आपकी वो समस्या आ रही हो दोस्तों, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताओ दोस्तों ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। और ये हाँ, अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही हो तो ये दो रजिस्टर डालो दे सीरीज में ताकि आपको ऐसी समस्या आएंगी नहीं और ये बार बार डिस्कनेक्ट करने का काम भी नहीं करेंगे दोस्तों, और ये आप कंटिन्यू उसको लगा के रख सकते हैं। न तो बार बार उसको हर सुबह दूसरे दिन इसके बैटरी कनेक्शन कट करो, सोलर पैनल का वायर कट करो, फिर बैटरी का वायर जुड़ाओ, फिर पैनल का वायर जुड़ाओ, तब कहीं जाके सोलर चार्ज कंट्रोल काम करता था। इसी तरह मैंने ये काम किया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।